पुलिस छावनी में तब्दील यह इलाका बोकारो के दूंदीबाग का है। दूंदीबाग बोकारो का मुख्य सब्जी मंडी है, जहां होलसेल में और रिटेल में सब्जियां बेची जाती हैं। लेकिन इस वक्त वहां पुलिस की गश्ती बढ़ी हुई है, क्योंकि वहां के सब्जी विक्रेताओं ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया, पथराव किया, जिसमें पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। दरोगा पिंटू कुमार को चोट भी लगी है। मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। दरअसल लॉकडाउन के बावजूद बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत मुख्य मंडी दूंदीबाग में कई व्यवसायियों ने अपना दुकान खोल रखा था, जहां बाजार में काफी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही थी। जब पुलिस उसे बंद करवाने के लिए पहुंची और भीड़ को कम करने के लिए पहुंची, तो व्यवसायियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। व्यवसायियों ने दरोगा पिंकू कुमार सिंह को पीटा, जिससे दरोगा घायल हो गए। मामले में एक व्यवसायी को गिरफ्तार भी किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। सर, आपके साथ सुबह हम लोग का यहाँ पर ड्यूटी लगा दूंदीबाग में, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है। उसी क्रम में काफ़ी संख्या में भीड़ था, तो हम लोग आए, उसको बोले कि भीड़ यहाँ से हटा लीजिए। उसमें एक व्यक्ति था जिसको अभी हम लोग थाना ले गए हैं, वो हमारे साथ मारपीट करने लगा, वो उलझ गया। तो उसको जब हम लोग पकड़ के यहाँ से लेकर जा रहे थे, तो पीछे से जितने भी यहाँ के दुकानदार लोग हैं, स्टाफ लोग हैं, हम लोग पीछे से पथराव किया, जिसके बाद हम लोग उसको लेकर गया, तो फिर वो लोग हट गए यहाँ से, फिर फोरसाइट सब भाग गए। क्या था मामला? मामला था कि हम लोग आए यहाँ पर, काफ़ी संख्या में भीड़ था, तो हम लोग बोले कि यहाँ पर ये किया गया दूंदीबाग में, बहुत ये करते हुए मार्केट को यहाँ से सब्जी मार्केट को शिफ्ट कर दिया गया है और केवल होलसेलर खोलने का अलाउ है। तो उसी क्रम में भीड़ लगा था, नींबू बेच रहा था, तो हम बोले इसको कि यहाँ से भीड़ हटाने के लिए कि यहाँ से हट जाइए और अंदर कर लीजिए। जिस क्रम में वो गाली देते हुए उलझ गया, तो उसको हम लोग फोर्स और हम मिल करके उसको पकड़ करके थाना ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जिस क्रम में बाजार के अन्य लोग आए और पीछे से पथराव करने लगा। फिलहाल पूरे बाजार को बंद करा दिया गया है। बाजार पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। घटनास्थल पर पुलिस के वरीय अधिकारी भी मौजूद हैं। मामले में पुलिस ने बताया कि दूंदीबाग के मुख्य बाजार में लगातार भीड़ लगी रहती थी, जिसे कम करने के लिए पुलिस अपने दल बल के साथ बाजार पहुंची थी। पुलिस के पहुंचते ही बाजार में उपस्थित व्यवसायियों ने हमला कर दिया, जिससे एक दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। बता दें कि आज से लगभग एक दो सप्ताह पहले झारखंड के ही सरायकेला खरसावां जिले से भी एक ऐसी खबर आई थी, जहां गांव में चल रहे एक मेले को जब बंद कराने के लिए पुलिस पहुंची, तो पूरे गांव वालों ने मिलकर पुलिस वालों पर हमला कर दिया, साथ ही उनकी जबरदस्त पिटाई भी की गई थी। बाद में पुलिस को पूरे गांव को सील करना पड़ा था, जिसके बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारी संभव हो सकी थी। झारखंड में लागू लॉकडाउन के दौरान छुटपुट घटनाएं सामने आ रही हैं, जब पुलिस और आम लोगों के बीच झड़प हो जा रहा है। followup.in like share and subscribe www.thefollowup.in